लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने इतने बरसों से जो उन्होंने अनरियलिस्टिक स्टैंड लिया था इसके खिलाफ, वो दिखाने के लिए और अपना एक कम्युनल एंगल से ना सोचा, ना मशवरा किया, ना पूछा, और वन साइडली इसको और असाल्ट करते हुए इसको डिमोलिश कर दिया। जबकि मैं ग्लोबल पार्टी की तरफ से हमेशा ये चैलेंज करके, हमेशा चैलेंज के साथ मैंने कहा है और चैलेंज किया है कि आपको हक नहीं था। अब 370 क्लाज 3 में एक सिस्टम तय है, उसके तहत आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको राइट ही नहीं है। ना स्टेट तोड़ने का राइट है, ना 370 ना 35 से आपको तोड़ने का राइट है। तो मेरी गुजारिश ये है, इन्होंने तोड़ के एक बड़ा दावा किया कि हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के बराबर कर दिया। ये एक खड़कती थी, ये जो हमारा फेडरल कमिटमेंट तो ये थी नेहरू की और कांग्रेस की कि पूरे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जाए। अरे अमेरिका 50 स्टेटें हैं और 50 स्टेटों को ऑटोनमी है, हर स्टेट का अपना आइन है, हर स्टेट का अपना झंडा है और हर स्टेट का ड्यूल सिटीजनशिप है। तो वो कमज़ोर नहीं हुए, मजबूत हुए। जम्मू कश्मीर एकमात्र मॉडल थी फेडरल सिस्टम का, चाहिए तो ये था कि इसको पंजाब में एक्सटेंड कर दे, इसको पूरे इंडिया में लागू करते। वो करने के बदले एक सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी मॉडल और एक अथॉरिटेरियन मॉडल को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो एक मानक बनना था, मॉडल बनना था पूरे इंडिया के लिए, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अल्टीमेटली इंडिया को इकट्ठा रखना है। इंडिया एक सब नेशनल, मल्टी नेशनल और एक प्लूरलिस्टिक देश है, ये कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है और एक कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में इकट्ठा रखना, ये एक फेडरल सिस्टम के तहत इसको इकट्ठा रखा जा सकता है। ना इस्लामिक मॉडल से, ना ये हिंदू मॉडल से इकट्ठा रह सकता है। पाकिस्तान का तजर्बा है, 1947 में वो इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर सेपरेट हुए, 1971 में टूट गया, बांग्लादेश सेपरेट हो गया, बलूचिस्तान सेपरेट मांग रहे हैं, सिंधी सेपरेट कहते हैं। ये प्रूव हो गया कि धर्म जो है वो किसी देश को बिल्ड नहीं करता, किसी नेशन की बिल्डिंग नहीं करता। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि हिंदू नेशनलिज्म की थ्योरी भी इतनी ही बोगस है जितनी थ्योरी इस्लामिक नेशनलिज्म की है। अगर वो फेल हो गई है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। और जबकि अब हम 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दाखिल कर गए हैं, वहाँ फ्यूडलिज्म की ये सोच, धर्म की सोच, ये धर्म की सोच और धर्म के नाम पर राजनीति जो है वो समाज को तोड़ती है, देश को तोड़ती है, समाज में नफरतें पैदा करती है, सराय में क्राइम पैदा करती है। इसलिए धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की सोच कम्युनल है, क्रिमिनल है। कम्युनल भी कहूँगा और क्रिमिनल भी कहूँगा और एक सिविल वार की कंडीशन में। तो ऐसी सूरत में हमारी स्टेट तोड़ दी, कहा बराबर कर दिया। अच्छा, मैं फिर सवाल करता हूँ आपके माध्यम से, डिलिमिटेशन का चैप्टर है आज, आपने कहा जी बराबर कर दिया हमने डिलिमिटेशन का, जहाँ तो बैन थी। अच्छा, अगर बराबर कर दिया है आपने हमारी स्टेट को, तो इंडिया में तो डिलिमिटेशन बंद है, वहाँ तो 2026 तक बैन है, तो फिर हमें भी बराबरी से करो ना, हमारी क्यों कर रहे हो आप, हमारी डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हो आप, जबकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप किस तरीके से कर रहे हो, आप तो वायलेशन कर रहे हो। अगर लद्दाख की 4 सीटों का सवाल है, तो आपने वो लद्दाख को भी सेपरेट करके गलत किया है। अब तो लद्दाख वाले, करगिल वाले तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन लद्दाखियों को भी अब वो जो चाह था अलग यूटी का, वो निकल गया, एक ब्यूरोक्रेट बैठ गया, अब मांग रहे हैं स्टेट दो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टेट के कितने टुकड़े करोगे आप, ये एक स्टेट थी, एक हिस्टोरिकल स्टेट है। मैं गुजारिश कर लूँ कि यूपी 22 करोड़ की है, दुनिया में उसको कोई नहीं जानता। बिहार बहुत बड़ी स्टेट है, मध्य प्रदेश, बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, वर्ल्ड में कोई नहीं जानता। मुझे और आपको गर्व करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रियासत को पूरा वर्ल्ड जानता है, इसको अल्टरनेटिव स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है, इसकी एक बड़ी पहचान है। तो ये क्या सेंसिबल बात है, जो 47 में इसका बंटवारा हुआ हम उसका भी विरोध करते हैं, और जो LOC है हम कहते हैं उसको डिसमेंटल करो, महाराजा हरि सिंह की और इस स्टेट को रीयूनिफाई करके इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाओ, ताकि हमारी पहचान दुनिया में बनी रहे और हम इस रियासत को एक अल्टरनेटिव स्विट्जरलैंड बना सके। लेकिन ये सोच इसके टुकड़े टुकड़े करना, अब इस 47 के बंटवारे को अंडू करना चाहिए था, एक और बंटवारा, अब एक और गंदी आवाज़ें निकल रही हैं, जम्मू को भी सेपरेट स्टेट बना दो, ये तो बड़ा, मैं कहता हूँ कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना सोच है।
और जो स्टेट इस वक्त देखिए जवानों के मिलिट्री ऑब्जर्वर 48 से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जम्मू में, श्रीनगर में उनका दफ्तर है, मुजफ्फराबाद में उनका दफ्तर है। तो हमारा जम्मू कश्मीर का मामला तो स्टिल जवानों में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने सुपरसीड कर दिया ताशकंद एग्रीमेंट करके, हमने उसको सुपरसीड कर दिया शिमला एग्रीमेंट करके 72 में, क्लाज 6 में हमने सुपरसीड कर दिया। वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए तो लाहौर डिक्लेरेशन में कि हम दोनों इंडिया पाकिस्तान आपस में बैठ के इसको सेटल करेंगे। एक तरफ तो ये एग्रीमेंट करती हो और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन डालती हो कि ये हमारा अटूट अंग है। अगर अटूट अंग है तो फिर उनसे समझौता क्यों करते हो? अगर ये अटूट अंग है तो फिर आप जवानों के मिलिट्री ऑब्जर्वरों को किकबैक करो, हटाओ यहाँ से। और अगर आप उनको हटा नहीं सकते तो फिर आप ये राग अपना बंद कर दो, ये दोगला राग लाना बंद कर दो। सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिवाइडेड हाउस है, एक हिस्सा वन थर्ड हिस्सा उधर है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसको सेंसिबली हैंडल करने के आपने बर्बादी कर दी इसकी, आपने ये कर दिया। और आप डिलिमिटेशन करवा रहे हो और डिलिमिटेशन भी बिल्कुल पार्टी एंगल से, डिलिमिटेशन पार्टी एंगल से नहीं होती। जो आपकी पार्टी के बीजेपी के इंटरेस्ट हैं, कौन सी सीट में कौन लड़ेगा उसके मुताबिक बना दो। ये कोई असूल है? ये कोई असूल है? ये तो मिसहैंडल ही है, ये तो बदमाशी है। ये मतलब एक हिस्सा पकड़ो उधर लगा दो, कान को नीचे लगा दो, टांग को ऊपर लगा दो, सब इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। एक तो आप काम ही गलत कर रहे हो और दूसरा आप जो बना रहे हो ये गड़बड़ बना रहे हो। देखो कठुआ में, आपको मालूम है कि कठुआ में 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। देखिए कोई रिजर्व कैटेगरी का हमसे, हम उनके गेस्ट नहीं है, लेकिन इंसाफ की बात करो, 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। और फिर 96 में ये ओपन हुई और हीरानगर चला गया। रोटेशन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटें थी, अब 6 होगी, एक एडिशन हुई। तो आप रोटेशन में करो ना, आपने कठुआ को दोबारा रिजर्व करने का प्रपोजल रख दिया जिसका ग्लोबल पार्टी कड़ाई से विरोध करती है। ये गलत प्रपोजल है आपका कि पेंड मतलब कितने 5 टर्म पहले इसको रिजर्व रखा और फिर दोबारा आप उसी को रिजर्व कर रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है आपका? सबका साथ सबका विकास का कंसेप्ट ये होता है? मार दो फिर, जहर दे दो बाकियों को भी। एक तो ये कहना चाहता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि ये कठुआ की सीट को रिजर्व नहीं किया जाए, जो रोटेशन में बाकी आती है उनमें से एक को रिजर्व किया जाए। दूसरा मैं कहता हूं कि इन्होंने नई सीट कठुआ से निकाली, नॉर्थ कठुआ और साउथ कठुआ, उसमें से कुछ बसोली के इलाके और कुछ बिलावर के इलाके इसमें ऐड कर दिए। अब देखें क्या है, ये जो नॉर्थ है ना, हाईवे के ऊपर है, ठीक है, नेशनल हाईवे, ये पूरा कंडी बेल्ट है, ये पूरा ड्राई लैंड एरिया है, एक जैसी प्रॉब्लम्स है, एक जैसी टोपोग्राफी है। चाहिए तो ये था ना कि ये एक लखनपुर तक एक पूरी ड्राई लैंड एरिए की एक कंडी बेल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती। इन्होंने क्या किया बदमाशी, वो देखो जंगलोट को काट के तो रिजर्व सीट में डाल दिया। देखिए पर जंगलोट की तीनों पंचायतों को, चक सज्जन को काट के इधर, खरौट को काट के से साउथ में डाल दिया, खरौट साउथ में कहा है, अच्छा फिर गोविंदसर को डाल दिया, फिर महापाटी को डाल दिया, फिर मतापुर पंचायत को डाल दिया, फिर दिलवा को डाल दिया, फिर खंडारा को डाल दिया। बताएं मुझे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कमीशन साहब कोई माइंड अप्लाई कर रहे हो आप? या एक पार्टी की डिक्टेशन पे आप ये डिलिमिटेशन ही कर रहे हो? ये जम्मू कश्मीर रियासत है, पहले भी 1986-87 में इलेक्शनों की गड़बड़ हुई थी, चोरी हुई थी, उसके रिजल्ट पता क्या निकले? एक तरफ तो कहते हो कि जहां गड़बड़ हो जाती है टेररिज्म पैदा हो जाता है, और एक तरफ उस वक्त भी जीते हुए कैंडिडेट को आपने मारा, उसको रोंदा, पेशाब किया उसके मुंह पे, सड़क पे घिसेटा, खुद आपने मार मार के मिलिटेंट बना दिए। और दूसरी तरफ कहते हो मिलिटेंट, आपने आप कसूरवार तो आप हो जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों से बेइंसाफियां करते हो, आप हमारी सीटों के साथ रेप कर रहे हो। आप ऊपर वाले इलाके ऊपर रखो ना, अब नॉर्थ वाला नॉर्थ से साउथ वाला आ जाओ। अब बताओ साउथ में एरिया इलाका है आपका चक सकता, खुर्द मुठी, चक सकता, खुर्द मुठी और कुछ इलाके ये आपने जोड़े हैं ऊपर, और ऊपर वाले इलाके जोड़े हैं आपने, तो फिर नाम रखा है आपने नॉर्थ साउथ। मैं कहता हूं कि कोई है, कोई कॉमन सेंस है? जहां कॉमन सेंस मर गई है, इसलिए ग्लोबल पार्टी कहती है, अपील करती है डिलिमिटेशन कमीशन को कि इंसाफ करो और ये दुरुस्त करो। ये ऊपर वाले सीधा कंसेप्ट ये हो,
ऊपर कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, डिंगा से लेकर लखनपुर तक, नीचे टिड़िया गंडियार से लेकर ये सारा इलाका जो है जो ऊपर लगाया वो भी काट के, ये दूसरी आंदड़ की, मेरी सुन लीजिए, एक कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बने और नीचे जो है ये आंदड़ एरिया है, इसे मार्शी एरिया बोलते हैं, तो एक आंदड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बने, ये दोनों ओपन होनी चाहिए और कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाना चाहिए, ताकि जनरल कैटेगरी को आप कितनी बार रगड़ोगे, आप कितनी बार आपको उनके साथ बेइंसाफी करोगे। इसलिए एक तो ये रिजर्वेशन का जो किया है आपने, इसको विड्रॉ करो, ये हमने इस पर कहा है। दूसरा, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को ठीक करो, एक कंडी बेल्ट की बने डिंगी अमल से लेकर लखनपुर तक और एक नीचे बने आंदड़ की, नेशनल हाईवे के नीचे जो है वो बन जाए आंदड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नेशनल हाईवे से अपर है वो बन जाए कंडी बेल्ट या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये प्रपोजल है। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी स्टेट को तोड़ा है, हमारी स्टेट को दर्जा इलेक्शन से पहले वापस करो, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस करो, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिलीज़ करो, उनको लताड़ो मत। फिर मैं कहता हूँ कि ड्रकोनियन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बंद करो, इलेक्शन करवाना है तो पीसफुल एडवांस पर, अब डंडा ही चलाते रहोगे, अब मारते रहोगे, तो फिर बात, अगर आप 3 महीने हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत दबोल जी दुबई बैठते हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इमरान खान के हैं उनके साथ 3 महीने बातचीत करते हैं, और 3 महीने की बातचीत के बाद वहाँ LOC पर 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा रिस्टोर हो जाता है और दोनों आर्मियाँ के DGMO डिक्लेयर करते हैं कि 2003 का सीज फायर रिस्टोर हो गया। अच्छा, एक तरफ तो आप ये करते हो, दूसरी तरफ आज LG साहब का बयान है हम क्रश करके रख देंगे, हम सारा टेररिज्म का स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर देंगे, हम करप्शन को डिसमेंटल कर देंगे। मैं क्या गुजारिश करूँ, जब आपने एक्सटर्नल सीज फायर किया वहाँ भी फिर ऐसे ही लाइन लेनी थी, इंटरनल एक्सटर्नल लाइन अलग अलग थोड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई दुरुस्ती करो अपनी सोच की, अपनी अप्रोच की, अपनी डिप्लोमेसी की और अपने विजन की, ये फॉल्टी विजन है। इसलिए कहते हैं कि जो LOC पे सीज फायर है, आप इंटरनल भी, मैंने प्रपोज किया है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर नो कॉन्फिडेंस अबॉर्शन फेल हो जाता है तो इमरान खान, वरना कोई और आ सकता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तो उधर है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हाई लेवल का समिट बुलाएं, पहला काम ये करें ये नेगोशिएटेड सीज फायर की बात करें इंटरनल, जो बंदूक फौज की और मिलिटेंटों की है, रोज उसमें मारे जा रहे हैं आम लोग, DDC के मेंबर मारे जा रहे हैं, सरपंच मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फौजी भी मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग मारे जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगता नहीं, कहते हमने कमाल कर दिया, लेकिन लगता ही नहीं फुल स्टॉप, कहते हमने तो मार के रख दिया, कभी नहीं होगा, अब जितना मारोगे उतनी बात आगे बढ़ेगी, मार मार के तो जम्मू कश्मीर में कभी पीस नहीं हो सकता, ये ग्लोबल पार्टी की एनालिसिस है। इसलिए जब आप बॉर्डर पे सीज फायर करते हो, जहां भी सीज फायर कर लो, अगर सीज फायर करते हो इतने लोगों की जानें जो हैं बच जाएंगी, यहाँ पीस कायम हो जाएगा, पर पीस कम हो फिर बातचीत शुरू करो। हम कहते हैं ट्रायलेटरल डायलॉग करो इंडिया पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के 5 खितों के लोगों को बैठाओ और बातचीत के जरिए इस मसले का वक्त फालार जम्मू कश्मीर मसले का हल करो अगर आगे बढ़ना है और अमल लाना है। ये कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि करप्शन के स्ट्रक्चर को और टेररिज्म के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल, ये फौज से नहीं होगा, ये गोली से नहीं होगा, ना मिलिटेंट कामयाब होंगे ना फौज, मरते जाएंगे लोग, ये बातचीत से होगा, ये हमारा स्टैंड है। तीसरा हम कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेना है वो हमारा है, हाँ है, मैं कहता हूँ ग्लोबल पार्टी डंके की चोट पे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर वो हमारा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन सवाल है लेना कैसे है, 75 वर्ष लड़के देख लिया नहीं मिला, अब लड़ोगे तो एटॉमिक वार हो जाएगी और 100 करोड़ लोग मरेंगे, रास्ता वार नहीं है, रास्ता बातचीत है। दोनों मुल्कों को कहेंगे कि दोनों मुल्क अकल करें और हमारी स्टेट को इकट्ठा होने में हमारी मदद करें, LOC को करें ख़त्म और 5 हिस्सों को रीयूनिफाई करते हुए इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाने में हेल्प करें, अप्रोच करें, इसी में इंडिया का फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। रिजल्ट उसका ये, इसको बनाओ फेडरल स्टेट, इसकी बने एक फेडरल असम्बली, 5 खितों के बराबर की नुमाइंदे, 5 बने इसकी रीजनल असम्बलियाँ, ये ग्लोबल पार्टी कहती है। जब मैं रीजनल असम्बलियों की बात करता हूँ
जो जम्मू और कश्मीर की रोज नफरतें लड़ाइयाँ, कश्मीरी खा गए, फलाना खा गए, मैं कहता ख़त्म करो यार, बैठ के हमारी लड़ाई नहीं है। ना जम्मू वालों की कश्मीर के खिलाफ होनी चाहिए, ना कश्मीर की जम्मू वाले, ना जम्मू वाले उनके दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी पैदा कर दी है। जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ते नहीं, और हम आपस में मारे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। हम कहते हैं करो जम्मू की असम्बली बनाओ सेपरेट, जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो सेपरेट, कश्मीर की असम्बली हो सेपरेट, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हो सेपरेट, लद्दाख की अलग असम्बली और चीफ मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान की अलग असम्बली और चीफ मिनिस्टर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिंडको, उसको मैं हिंडको बोलता हूँ, ज़्यादा हिंडको बोलने वाले हैं, तो हिंडको असम्बली बनाओ, 5 रीजनल असम्बलियाँ बनाओ, कोई आपस में लड़ाई नहीं, कोई अपना अपना बजट लो और प्लान करो अपने अपने प्रोविंस को, अपने अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। और इंडिया पाकिस्तान बजाय लड़ने के मारने के जॉइंटली कंडोमिनियम बना ले, कंडोमिनियम बना ले, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये मॉडल तो बेस्ट है, स्टेट एक रहे। महाराजा हरि सिंह के, अरे गुलाब सिंह के बुत को खड़ा करके तो बात नहीं ना बनती। कल आप गुलाब सिंह के बुत को खड़ा किया जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेशन की, तो बाबा गुलाब सिंह की स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो आप, गुलाब सिंह की स्टेट के साथ आप रेप कर रहे हो आप, ये कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप जी। इसलिए दोनों मुल्कों को कहूँगा, पाकिस्तान को भी कहूँगा, आपके पुराने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी कम्युनल और इस्लामिक लाइन बंद करो, इधर से भी बंद हो जो कम्युनल लाइन है। कश्मीरियों को भी कहूँगा, आपका कश्मीरी कश्मीरी नहीं चलेगा। कश्मीर सेंटर के पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है, वैसे ही जैसे जम्मू सेंटर के पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। अब हमें जम्मू कश्मीर रियासत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक बेटर फ्यूचर अपने बच्चों का सोचना है, बेरोजगार बच्चों का, किसानों का, अपनी माँ बहनों का, और ओवरऑल सबका सोचना है कि इस रियासत को हम एक बेहतरीन खिताब बना, ये बढ़ते हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान की कन्फेडरेशन बन सकती है। ये आगे बढ़ते हैं तो सार्क 8 कंट्रियों का 192 करोड़ का खिता है, ईरान को शामिल करते हैं तो 200 करोड़ का, तो अगर यूरोप इकट्ठा हो सकता है 26 मुल्क 72 करोड़ पॉपुलेशन, हमारी 200 करोड़ की हो जाएगी, 200 करोड़ के खित्ते को कन्फेडरेशन बना सकते हैं। तो ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं और इस इलेक्शन में, तो अभी से बदमाशी है तो इलेक्शन में क्या होगा जी। बस यही कहना है कि उनकी नासमझी है, उनकी नासमझी है और मूर्खता है, और जम्मू कश्मीर के साथ उनकी गद्दारी है सर। और जो महाराजा हरि सिंह के बुत के आगे माथे टेकते हैं ना, वो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी। सर अगर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, अगर आपने बात की है कि डिलिमिनेशन को लेकर अगर बात की है, तो आपको ये लगता है कि जो कठुआ साउथ की सीट है वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी, आपका ये क्या कहना है जी? क्योंकि 5 टर्म, इसलिए कि 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है, 2 टर्म पंजाबू राम जी, 1 टर्म कश्मीर की जो LOC है उसको ख़त्म करके महाराजा हरि सिंह की स्टेट को इकट्ठा करके इसको फेडरल स्टेट बनाना, फिर स्टैचू चप्पे चप्पे पे गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के लग सकते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। ये ऐसे झूठे दम गजे। अच्छा मैं इनको कहता हूँ स्टैचू तो छोड़ो, वो पार है, आप ये काम कर दो, आपके ही के ही हिस्से में UNO के मिलिट्री ऑब्जर्वर है श्रीनगर में, अच्छा उनको हटाओ बस, मैं चैलेंज, अच्छा उनको हटाओ, फिर तो मैं मुरीद हो गया इनका। अगर नहीं हटा सके तो मैं इनको कहूंगा ये दुनिया के सबसे निकम्मे और इम्पोर्टेंट लोग हैं। सर अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो ग्लोबल पार्टी अपने उम्मीदवार कहाँ कहाँ उतारने जा रही है? पूरी स्टेट में। तो आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाबू सिंह? जहाँ पार्टी और लोग डिसाइड करेंगे, जहाँ से मुझे लोग अप्रूवल देंगे, पहले जहाँ से पार्टी प्रपोजल रखेगी मेरा और जहाँ से लोग मुझे अप्रूवल देंगे। मैं इलेक्शन अप्रूवल से लड़ता हूँ, ऐसे नहीं पार्टी प्रपोज करेगी मुझे और वो एक पैरामीटर, जैसे 2002 में मैंने रामलीला ग्राउंड में वोटर कॉन्फ्रेंस करके अप्रूवल लिया था, तो पार्टी जब मेरा, हो सकता है पार्टी फैसला करे कि नहीं लड़ना, ये तो पार्टी, मैं हेड हूँ पार्टी का, उसके बावजूद भी पार्टी की स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी, जो मेरा डिसाइड करेगी, अगर लड़ने का डिसाइड करेगी, जो प्रपोजल होगा फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर कॉन्फ्रेंस में अप्रूवल लेंगे हम। लेकिन एक बता दूँ, पूरी रियासत में इस बार ग्लोबल पार्टी बड़े पैमाने पर 50 से ज़्यादा हो सकता है कि हम सीटें लड़ें, और ये भी हो सकता है कि आने वाली अल्टरनेटिव सरकार का अल्टरनेटिव दे दे ग्लोबल पार्टी। अगर पंजाब में केजरीवाल और आप दे सकती है तो ग्लोबल पार्टी आपसे कम नहीं है। इंटेलिजेंस में केजरीवाल बैठ जाए ग्लोबल पार्टी के साथ, फिर बात कर ले जम्मू कश्मीर पर भी और बाकी भी। वैसे आप पंजाब में हैं, G&K में, तो उसने मोदी जी का साथ दिया है पार्लियामेंट में हमारी स्टेट को तोड़ने में, आपने तो गद्दारी की है जम्मू कश्मीर के साथ, वो दोषी है, वो क्रिमिनल है,
उसने हमारी स्टेट को तोड़ने में वहां पर वोट मायावती ने और इस केजरीवाल ने साथ दिया है पार्लियामेंट में इनका। सर अगर हम कठुआ की बात करें, कठुआ के दो दिग्गज नेता पैदा किए हैं जहां पे बाबू सिंह है, चौधरी लाल सिंह जी हैं, क्या ये दो नेता कभी आपस में इकट्ठे होकर लोगों की आवाज बन सकेंगे? देखिए कठुआ की धरती ने बड़े अच्छे अच्छे लीडर पैदा किए हैं, ठाकुर बलदेव सिंह महरूम गरदाला। आपने जो सवाल किया, मैं आके कठुआ की धरती में ये पैदा हुए तो मैंने कहा मैं ठीक कर दूं कि हम नहीं हैं। ठाकुर बलदेव सिंह जी एक बड़े लीडर थे हमारे, पंडित मंगतराम शर्मा जी, गिरधर लाल डोगरा जी बड़े यूनिक लीडर थे, उनके बाद हमें रखिएगा, उनको काट के नहीं हम रखिएगा, फिर तो उनकी तोहीन है ना। अच्छा जहाँ तक लाल सिंह जी और मेरा ताल्लुक है, लाल सिंह जी मेरे दोस्त हैं, बचपन के हम दोस्त रहे हैं, इकट्ठे भी काम किया है। अब उनकी डोगरा स्वाभिमान पार्टी है और हमारी ग्लोबल पार्टी है, तो बस हमारी उनसे यही गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करें, अलग जम्मू की तोड़ने की बात नहीं करें, क्योंकि ये दुरुस्त बात नहीं है। बस मेरी उनसे यही गुजारिश है, यही मेरी उनसे गुजारिश है कि हम कहते हैं कि स्टेट एक रहे, वो वाला हिस्सा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मिला के इसको फेडरल स्टेट बनाया जाए, जम्मू का चीफ मिनिस्टर अलग, कश्मीर का अलग, ये माना जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ देना ये वैसे ही गलत है, क्योंकि ये स्टेट अभी इसका मामला विवाद है, विवादित है इसका मामला, और विवादित स्टेट को ऐसे टुकड़े टुकड़े करना, ये जैसे वो पाकिस्तान में इसको पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन सूबा बनाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। एक तो ये, इसलिए लाल सिंह जी, मैं तो सबके साथ काम कर रहे हैं, ग्लोबल पार्टी लाल सिंह जी के साथ, वो सारे लोग जो स्टेट को बहाल करना चाहते हैं, स्टेट का स्टेटस बात। मेरा सवाल आप समझे नहीं, जैसे पीजीडीए के नेता सभी इकट्ठे हो जाते हैं, अगर हम जम्मू प्रांत की बात करें तो आप सब लोग जैसे हर्षदेव है, आप हैं, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो के लोग हैं, लीडर हैं, जो लीड करते हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सारे इकट्ठे होके क्यों नहीं आते? मैं जो कश्मीर का मॉडल तो कभी नहीं अडॉप्ट करता कि कश्मीर के इकट्ठे हो जाओ, उनकी नकल जम्मू वाले करो, ये ट्रेंड ही गलत है, मैं इसको अपोज करता हूँ। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी जो गुपकार अलायंस है, मैं उनको गुजारिश कर लूँगा कि ये जम्मू में आप आते हो, ये कर क्या रहे हो? एक गुपकार एक रोड का नाम है, अलायंस पूरी स्टेट का बना रहे हो, और एक रोड के नाम पर अलायंस का नाम बना रहे हो, नाम रखो ना जम्मू कश्मीर स्टेट का अलायंस, गुपकार क्यों? एक तो ये कहना चाहता हूँ, इसलिए अब वो जो कश्मीर सेंट्रिक बातें जहाँ वो कहते हैं नहीं जम्मू हमारे साथ, तो जम्मू कैसे आएगा? पहले अपने आप को तब्दील करो, इसलिए हम उनके मॉडल की नकल नहीं करते, और ना हम कहते हैं कि जम्मू वाले इकट्ठे हो जाओ, ग्लोबल पार्टी कहती है जम्मू और कश्मीर लद्दाख सब इकट्ठे हो जाओ, एक मुठ्ठ हो जाओ, क्योंकि हमने अपनी स्टेट को बहाल करवाना है, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी आवाज़ बुलंद करनी है, इसलिए ये गंदगी है, इसको नहीं मैं अडॉप्ट करता, इस मॉडल को नहीं, स्टेट की यूनिटी का मॉडल अडॉप्ट करते हैं। कश्मीरी पंडितों का 32 साल का दर्द, जिस तरीके से ये मौजूदा सरकार उनको इस्तेमाल कर रही है, कश्मीर फाइल्स के नाम बनाकर भर के और एक तरफा बातें करके, वो उनके बसाने की बातें नहीं कर रहे, 7 वर्ष हो गया इनको भी ये बसा नहीं पाए, उससे पहले भी सरकारें होगी, सिर्फ इनको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक ग्राउंड उनके वापस जाने, कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीरी एथनिसिटी का अटूट अंग है। देखिए कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिख, कश्मीरी पंडित, इनके धर्म एक हो सकते हैं, लेकिन इनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है प्राइमरी, दे ऑल आर कश्मीरी एथनिसिटी, उससे ये जुदा नहीं हो सकते। यही कश्मीर वालों को मैंने कहा है कि ये आपके जिस्म का हिस्सा है, जैसे भी निकला है उसमें आप भी दोषी हो, चाहे आप मुसलमान 50,000 मुसलमान माइग्रेट हुए, जहाँ पंडित मरे वहाँ मुसलमान बेशुमार मरे हैं, पिक्चर में तो सब बताया जाना चाहिए था, लेकिन सवाल है जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई लीडर ये कहता है कि ये इस्लामिक सोच और दूसरी निज़ामे मुस्तफा वाली सोच लागू करके इनको दुश्मन समझा जाए, तो उसको मैं कड़ाई से विरोध करता हूँ। कश्मीरी जो पंडित हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसको चाहते हुए भी ये आग लग नहीं किया जा सकता। इनकी वापसी बिल्कुल इज्जत के साथ, सिक्योरिटी के साथ और डिग्निफाइड तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पूरी तरह से फिर उसी सकाफत में, उसी कल्चर में, उसी नंदड़ूस और हक साग हैं, उसी चीज़ में मिल के आ जाए। और मैं देखी एक वीडियो, एक कश्मीरी बच्ची दिल्ली से वहाँ आई थी अपने वहाँ, तो वहाँ उनके मोहल्लेदार मुस्लिम थे बुज़ुर्ग, मुझे ना अपने नाना जी याद आ गए, वो पैसे निकाला ऐसा था बच्ची के हाथ में रख रहा था, वो नहीं ले रही थी, कहते नहीं बच्ची तू मेरी बेटी है, साथ में रोए जा रहा था कि तू मेरी बेटी है, मुस्लिम कह रहा है पंडित लड़की को, फिर वो भी रोई,
फिर गले लग गई। वो सीन देखने वाला है। मुझे मेरे नाना की याद आ गई, जब मेरी मम्मा, हम जाते थे छोटे छोटे थे, वापस आते थे जहाँ नेशनल हाईवे पे छोड़ने जाते थे, फिर कुछ पैसे देते थे, फिर ऐसे हाथ चूमते थे, मुझे वही सीन याद आ गया। तो ये इंसानियत जिन लोगों ने मारी है उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए एक तो ये है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पीस हो तब वापस जाए। पीस तब होगा जब जम्मू कश्मीर के तनाजे का कोई एक जस्ट, रैशनल और परमानेंट सोल्यूशन निकले, फिर इज्जत के साथ, इज्जत के साथ आपको बसाने का मेरा सपना है।